दिल्ली की पूरब साइड से बना उत्तर प्रदेश धर्म युद्ध का खेल दिखाएगा। इंडिया के नक्शे में उत्तर प्रदेश का शेर के रूप में नक्शा दिखाया जाता था। शेर की गजगोर बहुत प्रसिद्ध है। उस यूपी रूपी शेर के मुख है गाजियाबाद। नाम क्या पड़ा? गाजियाबाद। बाद में गजगोर करने वाला। उस शेर के मुख में गाजियाबाद नाम पड़ा हुआ है। जो गजगोर करता है तो चारों ओर आवाज फैल जाती है। इसलिए शेर के मुख में यूपी के मुख में दिल्ली दिखाई गई है। वास्तव में दिल्ली प्रभावित होती है हरियाणा वालों से। जहां चारों ओर से सेना का घेराव पड़ता है, सेना का घेराव तो तब पड़ता है जब सेना नायक की आवाज का डंका बजता है। वो खास जिले का नाम है सोनीपत। सच्चाई की पत रखने वाला। दुनिया वाले फिर बाबा उनका समझ लेते हैं कि ये तो धरती ऐसी यहाँ पे तो आप सच्ची बात कह रहे हो। हस्तदेव और नौ नारायण अलग अलग पाठधारी है। फिर अष्टदेव नौ नारायणों में भी प्रवेश करते हैं। ये क्या रहस्य? आठ की बात छोड़ दो, नवनारायण की बात छोड़ दो, पहले को देख लो। पहला अष्टदेव अभी बैल पर सवारी करता है या बैल पहले में सवारी करता है? अभी तो बैल ही सवारी कर रहा है। जब पहला अष्टदेव संपन्न बीज रूपी स्टेज को प्राप्त करेगा तो हाई जंप लगा करके बैल पर सवार हो जाएगा। भक्ति मार्ग में संपन्न स्टेज की यादगार दिखाते हैं या अधूरे पुरुषार्थ की यादगार दिखाते हैं? तो संपन्न स्टेज की यादगार दिखाई जाती है कि सेवा शंकर में प्रवेश करता है, मैं जानवरों में प्रवेश नहीं करता हूं। मनुष्यों को समझाने के लिए मनुष्य में आऊंगा, मन का उपयोग करने वाले मनन चिंतन करने वाले में आऊंगा या बैल में आऊंगा? तो शिव प्रवेश करता है शंकर में और शंकर सवारी करता है बैल पर।
ऐसे ही बाकी आठ नारायण और अष्ट देवों का भी लगाया जा सकता है हिसाब। अभी स्थिति दूसरी है, पुरुषार्थ संपन्न स्टेज को पहुंचेगा तो स्थिति बदल जाएगी। अभी नारायण का पद पाने वाली आत्माएं बेसिक में पार्ट बजाए रही हैं, बेसिक से ज्यादा प्रभावित हैं या एडवांस से ज्यादा प्रभावित हैं? बेसिक से ज्यादा प्रभावित और पावरफुल आत्माएं हैं। दुनियावी हुजूम की दृष्टि से देखा जाए तो पावरफुल, और ब्राह्मणों की दुनिया के हुजूम की दृष्टि से देखा जाए तो भी पावरफुल। तन की शक्ति से, धन की शक्ति से, जन शक्ति से पावरफुल है। और मन की एकता में, एकाग्रता में भी पावरफुल है। वो पक्के हठ योगी हैं, जो नौ ऋषियों के रूप में दिखाए जाते हैं। जंगलों में वास करने वाले हैं, वो पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाले, हद का संन्यास धारण करने वाले जब एडवांस में आ जाएंगे तो अष्टदेवों की आत्माएं पावरफुल हो जाएंगी। वो प्रभावित होने वाली प्रजा बन जाएंगे और प्रभावित करने वाले राजा बन जाएंगे। किसी ने पूछा है, क्या घर गृहस्थ में रहने वाले में से भी अष्टदेव निकलेंगे? माने घर गृहस्थ में रहने वालों में जो गीता पाठशाला चलाने वाले हैं उनमें से कोई नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नहीं हो सकते? तन मन धन समय संपर्क संबंध सबका पोता मेल देने वाले नहीं निकल सकते? जैसे बाप का डायरेक्शन मिले वैसे और उसी समय तैयार रहने वाले नहीं निकल सकते? जो आज गीता पाठशाला में बैठे हैं उनको लक्ष्य मिला हुआ है, गीता पाठशाला का नक्शा ऐसा बनाओ जैसे मधुबन, तो जो अपनी गीता पाठशाला घर गृहस्थ को मधुबन बना देंगे और पक्का पुरुषार्थ करके दिखा देंगे, सबकी नजरों में देखने में आए नष्टो मोहा स्मृति लब्धा आज से ही, तो वो असली लोग लिस्ट में नहीं आ सकते।
सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि कंधे पचड़ के बैठे हुए हो। गर्गस में रह करके भी कोई सरेंडर होकर चल सकता है कि नहीं? प्रैक्टिकल जीवन में चल सकता है? मूल बात है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की। फाइनल पेपर में जो पहले 8 पास होंगे वो ही एसडेप की लिस्ट में आवेंगे। सुप्रीम सोल की संतानी है, सुप्रीम सोल की संतानी राम से पहले कोई आत्मा कैच कर सकती है? राम से पहले कोई आत्मा कैच कर सकती है या वो नहीं समझ पाए अगले ने समझ लिया, ऐसा संभव है? हाँ हाँ, बाजी लगाओ, क्या नहीं हो सकता है? वो समझ ले और समझ करके समझाना शुरू कर दे। टाइम तो निश्चित होगा कि नहीं है? तो जब टाइम निश्चित होगा तो राम के लिए जो गायन है वो गायन उसके लिए नहीं होगा क्या? है पतित पावन का जो गायन राम के साथ जोड़ा जाता है वो गायन उसके साथ भी जोड़ा जाएगा। लेकिन मुरली में बोला है पतित से पावन बनने के लिए कितना टाइम चाहिए? 40 से 50 वर्ष। और अब की स्टेज में कोई ऐसा शुरू करता है तो वो 40 वर्ष कब पूरे होंगे? है कब पूरे होंगे? 40-50 वर्ष कब पूरे होंगे? है 2000? तो संगम युग का आयु ही बढ़ानी पड़ेगी। फिर भी बाबा तो कहते हैं हिम्मत बच्चे मदद बाप। कोई आदमी बहुत अच्छा है और अचानक उसे गंदे काम सूझने लग पड़े धंधे धंधे करने लगा परंतु लास्ट में वो देश के लिए मरा तो वो सत्युग में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? अंत मते सुबते होगी। अंत मते तो वो ही होती है जो लंबे टाइम तक पुरुषार्थ चलता है, वो ही मती होती है। देश के लिए मरना अच्छा और देश की परिभाषा क्या होगी? देश जड़ जमीन को कहा जाए या कोई चैतन्य आत्मा को कहा जाए? और देश तो दुनिया में बहुत है, कौन से देश के लिए मरा? जिस देश में भगवान आता है उसके लिए मरा या दूसरे देश के लिए मरा?
मरते तो दुनिया में बहुत हैं। क्या गांधी जी देश के लिए नहीं मरे है? मरे या नहीं मरे? मरे। गांधी जी सत्य को में आएंगे या नहीं आएंगे है? है? नहीं। क्यों? आपको तो पहचाने नहीं। क्यों नहीं आएंगे? अच्छा उस जन्म में नहीं पहचाना? सन 47 में शरीर छोड़ने के बाद मुरली में बोला कि गांधी मरा, राजकोट में जाकर के कोई बड़े कांग्रेस साहूकार के यहाँ जन्म लिया। तो बड़े कांग्रेस साहूकार के यहाँ जन्म लेकर के एडवांस में नहीं आ सकता है? बड़े कांग्रेसी घर में जन्म लेकर जो कांग्रेसी के घर में जन्म लेगा तो संस्कार कांग्रेसियों के आएंगे या नहीं आएंगे? और कांग्रेस को कौन सा गवर्नमेंट बोला है? है कौरव गवर्नमेंट। तो कौरव गवर्नमेंट के जो लोग देश के लिए मरते हैं या मरे हैं, उन्होंने उसका उजूरा लिया या नहीं लिया? उजूरा भी ले लिया। मान लो जवाहरलाल नेहरू हैं, देश के लिए उन्होंने बहुत सहन किया, परंतु राज्य भोगा या नहीं भोगा है? राज्य भी भोग लिया। कांग्रेस गवर्नमेंट में इतने लंबे समय तक राज्य किसी ने नहीं भोगा होगा जितना जवाहरलाल नेहरू ने भोगा। तो वो सत्युग में आवेंगे या नहीं आवेंगे है? नहीं आवेंगे। जोर से नहीं बोलते, कहीं कौर गवर्नमेंट वाले चरण बैठे। जिनको कलयुग के अंत में मान मर्तबा मिलता है उनको आदि का मान मर्तबा नहीं मिलेगा। काशी का दूसरा नाम शास्त्रों में आनंद कानन क्यों पड़ा? कानन माने जंगल, और जंगल तो कांटों का होता है या फूलों का बगीचा होता है? कांटों का जंगल होता है, लेकिन उस जंगल का नाम खास भक्ति मार्ग में शिव बाबा ने दिया है आनंद कानन। कैसा जंगल? जंगल में मंगल करने वाला। लेकिन है तो कानन ना, देवी देवता सनातन धर्म के अलावा और जो भी धर्म स्थापन होते हैं वो सब पाठों के जंगल। आनंद नहीं मिलता, ब्राह्मण जीवन में त्याग तपस्या में आनंद है या भोग भोगने में आनंद है? है जो ब्राह्मण जीवन में रह करके भोग भोग रहे हैं
अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पहनना, अच्छे से अच्छे मकान में रहना, उनका वहां कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? उनका वहां कम हो जाएगा। जो त्याग और तपस्या में ब्राह्मण जीवन में आनंद है, वो आनंद और कोई जीवन में नहीं हो सकता। इसलिए नाम पड़ा है आनंद का आनंद। दूसरा प्रश्न, इसका जवाब भी हो गया है इसी प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है, जो एनएस में जा रहे हैं उनके लिए कैसा, उनको कैसा पुरुषार्थ करना है? क्या वहां जाने का कोई विशेष राज है? क्या राज है? कौन जाएंगे और कौन नहीं जाएंगे? त्यागी तपस्वी जाएंगे और भोगवादी, भोगवादी रह जाएंगे। तो लड्डू पेड़ा जलेबी रसगुल्ला बना बना के खाए जाओ और खिलाए जाओ, खुश रहो और लोगों को ब्रह्मा कुमारियों की तरह खुश करते जाओ। कोई बोल रहा है, जो भी पार्ट खुले हैं उन पार्टधारियों के इशारे दिए गए हैं, उनका लौकिक जन्म का वर्ण ब्राह्मण है, तो क्या और कोई वर्ण का ऊंचा पार्टधारी नहीं बन सकता? जैसे छोटी माँ है, वो भी ब्राह्मण, बड़ी माँ है वो भी ब्राह्मण, और योगिनी माँ भी उसी कैटेगरी में आती है ना। ऐसा किसी को जानकारी नहीं है इसलिए लिख दिया। त्रिमूर्ति के अलावा जो विष्णु की मूर्तियां हैं, उनके अलावा और किसी के लिए ऐसा नहीं कहा गया। जो शिव बाप के पहलौटी के बच्चे हैं, पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हीं के लिए ये बात लागू होती है। दूसरों के लिए लागू नहीं होती। किसी को मालूम नहीं है इसलिए लिख दिया है कि योगिनी माता ब्राह्मण कुल से है। अनुमान से कोई बात नहीं पक्की कर लेना चाहिए। त्रिदेव है, वो तो शिव बाप के साथ साथ प्रत्यक्ष होते हैं। आज से अंत तक उनका पार्ट श्रेष्ठ होना चाहिए या लोगों की नजर में नीचा देखने में आना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए। भारतवर्ष में खास ब्राह्मणों को ऊंची नजर से देखा जाता है। और वर्ण वालों को छू छू करते हैं, उतना मान मर्तबा नहीं देते हैं। इसलिए जब बाप आते हैं
तो बाप के साथ ही जो तीनों बच्चे हैं, जिनके साथ बाप आते हैं, और तीनों ही ब्राह्मण कुल से, बाकी ऐसे नहीं कि और जो अष्टदेव हैं या एक एक ग्रुप के जो जो बारह बारह हैं वो सब ब्राह्मण कुल से होंगे, नहीं, कोई भी कुल के हो, बाप तो कहते हैं आज सब शूद्र हैं। कलयुग में कौन होते हैं? शूद्र होते हैं। अभी की बात छोड़ दी जाए, 500 साल पहले तुलसीदास ने अपने अनुभव से लिख दिया, मैं वर्ण संकर सब है, सब वर्ण संकर हो गए। ब्राह्मण वैश्य में मिल गए, वैश्य क्षत्रियों में मिल गए, क्षत्रियों का खून शूद्रों में मिल गया, शूद्रों का खून ब्राह्मणों में मिल गया, सब वर्ण संकर शूद्र हो गए। ये तो 500 साल पहले के अनुभव की बात बताई, बाबा तो कहते हैं 1200 वर्ष से ये कलयुग चल रहा है। उसी समय से मुसलमानों का आक्रमण भारत में होने लगा, पहला आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, यथा राजा तथा प्रजा तो होनी है, इसलिए ये हीन भावना धारण नहीं करनी है कि हम आखिरी जन्म में ब्राह्मण कुल के नहीं है तो ईश्वरीय परिवार में हमारा ऊंच पद नहीं हो सकता। क्या हुआ इसका अर्थ क्या हुआ? अरे तुमने अर्थ जान नहीं पाया, बोल तो रहे, इस दुनिया में सब शूद्र हैं। जब सब शूद्र हैं तो ज्ञान के डंडे सबके ऊपर बजने चाहिए कि नहीं बजने चाहिए? तो ताड़ना मिली कि नहीं मिली? और कृष्ण वाली आत्मा के लिए ही बोल दिया गांवड़े का छोरा है, गवार है, तो पहला पत्ता ही गवार बन गया, तो बाकी गवार नहीं हुए तो क्या संस्कारी हो गए हैं? सब गवार हो गए, ढोर पशु जानवर, क्या हम ब्राह्मण पहले जानवर के सल नहीं थे? थे या नहीं थे? तो खाओ डंडे। शूद्र तो शूद्र है ही, शूद्रों के साथ नारी को भी मिला दिया, अब नर हो या नारी हो शूद्र तो सब हो गए। कलयुग के अंत में खास नारियां अबला बनती हैं या पुरुष अबला बनते हैं? खास नारियां अबला हो जाती है, कोई कारण होगा?
क्या सब अबला बन जाती है? है सब तो नहीं बनती। महारानी लक्ष्मीबाई को अबला कहेंगे क्या? कहेंगे नहीं कहेंगे। ये 63 जन्मों के संस्कार हैं, जो संस्कार हम अभी संगम युग में भरते हैं। बाप तो आए हैं स्वाधीन बनाने के लिए, लेकिन बाप के आने के बावजूद भी, बाप की शिक्षाओं के बावजूद भी कोई कोई आत्माएं होती हैं जो अपने 63 जन्मों के संस्कारों से बंधे होने के कारण आधीनता ही पसंद करती है। हिंदुओं का शास्त्र है गीता, इस्लामियों का शास्त्र कुरान, क्रिश्चियंस का बाइबल, और मुसलमानों का शासन करने वाला शास्त्र वो भी तो कुरान है। तो क्या ये जड़ शास्त्रों के मानिंद ब्राह्मणों की दुनिया में चैतन्य पाठ बजाने वाली भी हैं? क्या इनका वर्तमान में पाठ है या अभी इनका पाठ प्रत्यक्ष होना है? पाठ चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है। ये बात दूसरी है, बीज रूप आत्माओं के बीच में चल रहा है, आधारभूत आत्माओं के बीच में चल रहा है या दुनियावी तरीके से जो दुनियावी धर्म पिताएं हैं उनके आने के बाद विराट रूप में प्रत्यक्ष होना है? बाकी चैतन्य के आधार पर ही जड़ का गायन होता है। कोई किसी धर्म में जन्म लेता है, कोई पूर्व जन्म से संबंधित होता है, और ब्राह्मणों का तो पहले से ही गायन है, लेकिन जो दूसरी जाति के लोग हैं जैसे जाट हैं, इन्हें इतिहास की किताबों में लुटेरे क्यों कहा गया? सब बातों का जवाब तुरंत नहीं दिया जाता है। कुछ पढ़ाई की बातें हैं जो बाद में पढ़ाई जाती है। सब बातें अभी अभी पढ़ाई जाएंगी या बाद में भी पढ़ाई जा सकती है? बाद में भी पढ़ाई जाएगी। है? है?
सत्यवान के पैदा होते ही आई टीवी की बात। शक्तिमान के पैदा होते ही उसके माता पिता का मरना पहले से ही तय था। इसका बेहद रहस्य बताइए। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई तो ऐसा पार्टधारी होगा जो प्रैक्टिकल में सर्वशक्तिमान साबित हो जाए, होगा या नहीं? तो वो जब बेसिक में आया होगा ज्ञान में, तो उसके आने से ही जो ब्राह्मणों की दुनिया में माता पिता माने जाते वो खलास हो जाते हैं कि नहीं? खलास हो जाते। और मुरली में उसका पहले से इशारा भी दे दिया। मान लो ये ब्रह्मा चला जावे तो जिसमें भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। भारत में पुरुषों की एक स्त्री चली जाती है तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी लेते, एक दो तीन चार भी कर लेते हैं, ये भी पुरानी जूती है। कौन? ब्रह्मा। तो इशारा दे दिया कि नहीं दे दिया? दे दिया। तो ठीक बात है, शक्तिमान के पैदा होते ही उसके माता पिता का मरना पहले से ही तय था। इतना बड़ा अधर्म क्यों किया? गुरु की आज्ञा सिर माथे पर होती है या नहीं होती है? पांडवों का गुरु कौन था? है द्रोणाचार्य से भी ज्यादा किसको मानते थे? भीष्म पितामह से भी ज्यादा किसी को मानते थे? द्रोणाचार्य भीष्म पितामह तो कौरव कुल में चले गए, उनका विरोध किया, उनकी बात नहीं मानी। किसकी मानी? कृष्ण की बात मानी। उन्होंने तो कृष्ण कह दिया है बत्ती मार्ग वालों ने, लेकिन हम जानते हैं वो कृष्ण कौन है? है कौन है वो कृष्ण? ब्राह्मणों की दुनिया में शिव बाबा। तो शिव बाबा का हम ब्राह्मण बच्चों को क्या डायरेक्शन है पुरुषार्थ के मामले में? तन धन धाम सुहद परिवार, तुलसीदास ने भी लिख दिया है रामायण में, सबके ममता ताग बटोरी। चाहे अपना शरीर हो, वो भी इस जुए में हार जाओ कोई हर्जा नहीं। ये लौकिक जुआ नहीं है, ये अलौकिक जुआ है, ये बड़ी से बड़ी लाटरी का जुआ है। चाहे अपना तन हो, चाहे बीवी बाल बच्चों का तन हो, अर्पण करना है। काय में अर्पण करना है, ईश्वरीय सेवा में अर्पण करना है,
धन भी अर्पण करना, अपना हो या बीवी बाल बच्चों का हो। धाम मकान जमीन ज्यादा प्रॉपर्टी भी बेच करके अर्पण करना है। क्षेत्र में ऐसा करने वालों ने बहुत किया भी, लेकिन देदारियों की मत पर किया या शिव बाबा की मत पर किया? देदारियों की मत पर किया। उस समय बाप तो मिला ही नहीं था, अभी तो डायरेक्ट बाप मिला हुआ है। तन धन धाम सुहृद, जो भी हृदय के सच्चे साथी हैं, हृदय माने दिल, जिनका दिल हमने लिया है और जिनको हमने अपना दिल दिया है, उनको भी अर्पण करना है। परिवार, परिवार की भी जो भी ताकत अपनी मुट्ठी में है वो सारी ईश्वरी यज्ञ में झोंकनी। तो पांडवों में मुखिया कौन था? युधिष्ठिर, जो धर्म युद्ध में स्थिर रहा। और जो धर्म युद्ध में स्थिर रहने वाला है, मुख्य पांडव है, वो ही भगवान को अगर फॉलो नहीं करेगा तो फिर दूसरे को ही करेंगे क्या? करेंगे? नहीं करेंगे। बाबा ने स्लोगन दिया हुआ है, बड़े जो कर्म करेंगे बड़ों को दे, छोटे भी करेंगे। तो दुनिया की दृष्टि में तो अधर्म है, और भगवान की दृष्टि में धर्म है। क्यों? सिर्फ कहने की बात नहीं है, आत्मा आत्मा भाई भाई, टैप रिकॉर्डर में भर के रख दो, गीत बजा लो, हम है आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, गीत गाने से हो जाएगा? भाई भाई तो तब बनेंगे जब बच्चा मेरा बच्चा नहीं है, भगवान का बच्चा है, पत्नी मेरी पत्नी नहीं है। मुरली में बाबा ने बोला, मुट्ठी तेरा युगल कहां से आया? मेरी पत्नी कहां से आई? आत्मा आत्मा भाई भाई। तो पत्नी अर्पण होना चाहती है तो हम क्यों रोके? ईश्वरीय सेवा में जीवन देना चाहती है और हम रोकते हैं, तो पाप बनाते हैं या पुण्य बनाते हैं? पाप बनाते हैं। ये अर्पण करना कोई अधर्म नहीं है, ये सद्धर्म की स्थापना का बीज बोना है। क्यों? क्योंकि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, वो अर्पण भी हो जाएंगे तो भी अपनी दुर्योधन दुशासन वृत्ति से बाहर नहीं आएंगे, और कन्या माताएं अर्पण हो जाएंगी तो शिव की शक्तियां बन जाएंगी। शिव की शक्तियों से संसार पलटा गया, पवित्र दुनिया की स्थापना हुई है, पवित्रता की स्थापना कन्याएं माताएं ही कर सकती है। उस ओड़ेड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दे, लेकिन पवित्रता की स्थापना नहीं कर सकते।
तो युधिष्ठिर ने युद्ध में स्थिर रहने, धर्म युद्ध में स्थिर रहने का काम किया, द्रौपदी को दांव में लगाकर, या हिल गया है, स्थिर रहा। युद्ध में अस्थिर रहने वाला नहीं कहेंगे, सिर्फ बोल बोल करने वाला ब्राह्मण नहीं था, आत्मा आत्मा भाई भाई। प्रैक्टिकल करने वाला था। भगवान होते हुए भी महाभारत युद्ध में सबको मारने का तरीका क्षण पूर्वक क्यों बताया? अगर न मारा जाता क्षण पूर्वक तो कौन सा राज्य स्थापन हो जाता है? कौरव राज्य स्थापन हो जाता। धर्म का राज्य स्थापन होता या अधर्म का राज्य स्थापन होता? अधर्म का ही राज्य स्थापन होता। दुनिया का विनाश किए बगैर, दुनिया से असुरों का संहार किए बगैर तब धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये नियम है, लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। पहले छल छिद्र शुरू किसने किया? तो गलती करने की पहल किसने की? अगर मान लो पांडव छलचित्र न भी करते तो क्या कौरव छलचित्र का आसरा लेने से बाज आते? नहीं आते। और पांडवों को मुंह की खानी पड़ती। इसलिए युद्ध के भी कोई नियम होते हैं। जो अच्छे योद्धा होते हैं देखते हैं सामने वाले हाथ योद्धा के हाथ से तलवार छूट गई तो क्या करेंगे वो? है उसके ऊपर वार करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरी तलवार लेने का मौका देंगे। ने क्या किया? हिंदुस्तान में तीर तलवारों का युद्ध होता था, उन्होंने क्या बना लिया? एटम बम बना लिए। और अब छोटे छोटे देशों को वो एटमिक एनर्जी तैयार करने की भी परमिशन नहीं देना चाहते। तो ये धर्म युद्ध है या धर्म युद्ध है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में
लक्ष्मी के मुकुट में फूल क्यों अधिक लटकाए हुए है? मुकुट में तो छोड़ो, दक्षिण भारत में बहुत लोगों ने यात्रा की होगी और वो परंपरा अभी उत्तर भारत में भी आ गई। जो कन्याएं माताएं होती हैं ढेर सारे फूलों का गुच्छा लटका लेती हैं बालों में। दक्षिण भारत से खास ये परंपरा आई है। कहां की परंपरा है, कहां की यादगार है? दक्षिण भारत है, भारत का विदेश। तो लक्ष्मी कहां से आती है? विदेश से आती है। भक्ति मार्ग में जड़ फूल लटकाए हुए हैं भक्तों में। है कौन से फूलों की बात है? ज्ञान के फूल नहीं, चैतन्य आत्माओं रूपी फूल, देवी देवताओं रूपी फूल, जिन्होंने अंजाम लिया है दूसरों को सुख देंगे, दुख नहीं देंगे। सुख देने वालों को फूल कहा जाता है। जो खुद हल्के रहते हैं और दूसरों को भी हल्का करते हैं अपने स्वभाव संस्कार बोल और चाल से, फूलों की प्रवृत्ति अपनाते हैं। ऐसे फूलों जैसी आत्माओं को लक्ष्मी ने रिगार्ड दिया है, सर माथे पर चढ़ाया है। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण के चित्र में कृष्ण को नीचे क्यों दिखाया गया है? कृष्ण के उनको तो बांसुरी भी दिखाई गई है, तो वो बांसुरी ज्ञान की बांसुरी है या जड़ बांसुरी है? है जड़ बांसुरी है। तो जैसे जड़ बांसुरी धारण कर सकते हैं वैसे ही वहां फूलों का श्रृंगार होता है। यहां तो सब बातें ज्ञान की बातें हैं, जड़ तो वही श्रृंगार करने की कोई बात नहीं है। विष्णु को ढेर सारा तामझाम दिखाया गया है, दिव्य गुणों का श्रृंगार की बात है, कोई फूल तामझाम की बात नहीं है। जो भक्ति मार्ग में भक्त लोग विष्णु को दिखाई देते हैं। हाँ जी, पाँच साल तो हो गए ना भट्टी करे, क्यों करके होगा ये भाई क्या मतलब भट्टी कराई? पाँच साल हो गए बाबा, भट्टी कर रखी थी ज्ञान में चल रही है, बहुत टूट दिया, क्या होगा? दोबारा आ जाएगी। अरे एक ने शरीर छोड़ दिया, दोबारा जन्म लेके आ जाएगी। हट्टी तो एक ही है, वो आत्मा जाएंगी कहाँ? ओ